हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स के बारे में बताते हुए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डिस्कस करने जा रही हूँ। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। इनके दो टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के मेनली दो टाइप्स होते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजंस डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के दो टाइप्स हैं, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस। इसके अलावा भी इसके कई टाइप्स और अवेलेबल हैं, जैसे गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। यहाँ पर हम इन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपांशन और उसका फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें किसी रैंडम वेरिएबल की करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रोबेबिलिटीज के फॉर्म में गिवन होती हैं, जो कि डिस्क्रीट होती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर टाइम्स आउट ऑफ एन ट्रायल्स इज गिवन बाय पी आर इज इक्वल टू एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर वेयर आर इज From 0 to n। यहाँ जो NCR है वो combination को show कर रहा है और combination की definition से ये factorial n upon factorial r into n minus r का factorial इससे denote किया जाता है। Small p probability of success है, small q probability of failure। और हमें पता है कि b plus q 1 के बराबर होता है, यानी total probability 1 होती है, इसलिए हम q की वैल्यू 1 माइनस पी इस तरह से भी लिख सकते हैं। n नंबर ऑफ ट्रायल्स को शो कर रहा है और r नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट यानी कि फेवरेबल इवेंट को शो कर रहा है। इफ वी हैव कैपिटल n सेट्स रिपीटेड स्मॉल n टाइम्स, इन दैट केस हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे n से और इसे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, पी आर का फॉर्मूला है एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, उसमें एन का मल्टीप्लीकेशन करके हम टोटल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसी को हम क्यू प्लस पी होल रेस्ट पार एन भी लिखते हैं। क्यू प्लस पी होल रेस्ट पार एन एक्चुअली बाइनोमियल एक्सपांशन को शो करता है, तो इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब हम इसे लिख सकते हैं एन सी जीरो पी रेस टू जीरो क्यू रेस टू एन माइनस जीरो, एन सी वन पी रेस टू वन क्यू रेस टू एन माइनस वन, एन सी टू पी रेस टू टू क्यू रेस टू एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू एन सी एन पी रेस टू एन क्यू रेस टू एन माइनस एन। और इस एक्सपांशन का सिंप्लीफिकेशन हम एन सी जीरो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो एन सी जीरो इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर की जगह हमारे पास जीरो है तो जीरो फैक्टोरियल वन हो जाएगा और एन माइनस जीरो फैक्टोरियल वो भी एन फैक्टोरियल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन। तो एन सी जीरो वन होता है, सिमिलर मैनर में एन सी वन फाइंड करेंगे तो एन सी वन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल वन और एन माइनस वन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का एक्सपांशन हम कर लेंगे न्यूमरेटर में तो एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं और यहाँ पर एन माइनस वन फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है तो इस कारण से ये कैंसिलेशन हो जाएगा और हमें मिल जाएगा एन। सिमिलर मैनर में हम एन सी टू एन सी एन को भी फाइंड कर सकते हैं, तो एन सी टू की वैल्यू आती है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू और एन सी एन ये भी वन आता है। तो इस तरह से हम इस एक्सपांशन में इन वैल्यूज को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर पी रेस टू जीरो है, पी रेस टू जीरो हो जाएगा वन और क्यू रेस टू पार एन आ जाएगा। देन एन सी वन की वैल्यू हम एन पुट कर देंगे यहाँ से और एन सी वन की वैल्यू यहाँ पर एन आ जाएगी,
p^1 p, 2^n-1, and c 2 की वैल्यू n into n minus 1 by 2 into p square 2^n-2. ये जो टोटल पावर है p और q की, ये n रहेगी. यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं n-2+2 n हो जाएगी. यहाँ n-1 और ये 1 पावर मिलके n हो जाएगी. और यहाँ पर 0 और n-0 ये भी n को शो कर रहा है. तो इस वे में हम आगे लिख लेते हैं nc n की वैल्यू 1, p^n और q^0 जो कि 1 हो गया. तो ये इसका एक्सपांशन होगा q+p^n का. तो इन फॉर्मूले और एक्सपांशन की हेल्प से हम इसके क्वेश्चंस और डेरिवेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इन फॉर्मूलों के यूज से मैं आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं ये बताऊंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.